दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान अगर कोई जीव होगा तो वह है इंसान, क्योंकि इंसान में सोचने और समझने की सबसे ज्यादा शक्ति है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करने में विफल रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपनी सोच समय समय पर बदलता रहता है, और यही इंसान की कमजोरी है। सोच को बदलना चाहिए, लेकिन उचित समय पर आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए देश में कई योजनाओं, सरकारी स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास को गति देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को परिलक्षित किया है। इसके लिए बनाई गई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने और उसमें समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, बदलाव तो समय समय पर होते रहेंगे, लेकिन इसी बीच क्या जिस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में वैसा ही होगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भविष्य को सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसा ही हो जैसा कि हमने सोचा था, ऐसा बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भविष्यवाणियों को सच मानते हैं, क्योंकि कुछ प्रसिद्ध लोगों की भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो 100% सच साबित हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो कहती है, जो पीएम मोदी के शासन काल में भारत का नक्शा बदल देंगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उस पहले वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, देश और दुनिया में ज्योतिष के क्षेत्र में कई जाने माने ज्योतिषाचार्य या भविष्यवक्ता रहे हैं। वर्तमान में बैठकर आने वाले समय के लिए की गई इनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। इनकी भविष्यवाणी जब सच हुई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2024 में ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? और बदलते भारत के आगे क्या दुनिया टिक पाएगी? अलग अलग देश की सत्ता क्या एक हो जाएगी? प्राकृतिक आपदाओं का अब कैसा रौद्र रूप हमें आगे देखने को मिलेगा? ऐसा क्या क्या होने वाला है जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखिए नोस्ट्राडेमस और संत अच्युतानंद दास महाराज के नाम पर किस प्रकार की भविष्यवाणी इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। कुछ देशों में विद्रोह और गृह युद्ध हो सकता है। एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मच सकती, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी आक्रमण की संभावना है। और साल के आखिर तक एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा। पुतिन पर चौंकाने वाली बात, नए साल में बाबा वेंगा की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मृत्यु हो सकती है। पुतिन की मृत्यु का कारण हत्या होगा। कथित तौर पर बताया गया है कि उनकी पुतिन को लेकर इस साजिश में रूसी नागरिक ही जिम्मेदार होगा। समुद्र में चीन का आतंक, लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा, महान महासागर में डर होगा। नास्त्रेदम्स की इस भविष्यवाणी नेवेल वॉर की बात कही है। इसका मतलब है लाल शत्रु यानी चीन महासागर इंडियन ओशियन में उत्पात मचाएगा। इसे अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को एक शीत युद्ध के खतरे बदलने से जोड़ा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी यह कहती है कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हो सकता है कि भविष्य की घटित होने वाली चीजों को पहले इंसान जान ले दो। 2024 के आखिर में रहस्यमय लोगों का आगमन हो सकता है। कह रहे हैं कि हिमालय में तपस्या करने वाले ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित है, और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम करने में भी कामयाब होगा। 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी, और इस दौर में भारत से एक मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे, और शायद वही दुनिया का सम्राट होगा। इसके अलावा देखिए नोस्ट्राडेमस के हवाले से एक भविष्यवाणी का जिक्र हमेशा मिलता है। आपने भी सुना होगा जिसमें यह कहा जाता है कि महान सितारा 7 दिन तक जलेगा, एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात। हालांकि देखिए यह भविष्यवाणी किस देश के संदर्भ में, इसका पता अब तक कोई भी नहीं लग पाया है।
नोस्ट्राडेमस के अलावा बाबा वेंगा नाम लेकर इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि जल्दी चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2024 में धरती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा और जिसके चलते ठंडी जगह गर्म हो जाएगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएगी। ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिस समुद्र किनारे शहर जो है वह जलमग्न हो जाएंगे। अब देखिए, आज के डेट में एक नाम ऐसा है जिन्हें भारत का नोस्ट्राडेमस भी कहा जाता है। हम बात करें संत अच्युतानंद दास, महाराज जी की जगत के नाथ, प्रभु जगन्नाथ की धरती यानी कि पुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने तप और योग शक्ति के बल भविष्य मलिक पुराण की रचना की। तार के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का आज भी पुरी के मतों में सुरक्षित है और इसी किताब के हवाले से भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणी की जाती है। कहा जाता है कि धरती तीन चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। कहते हैं कि जैसे शनिमीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। जंगली जानवर अचानक से शहर और गांव पर अपना हमला शुरू कर देंगे और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा, उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त छठिया भत्ता ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदाएं होगी और दूसरी ओर महायुद्ध होंगे और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वह 84 करोड़ रह जाएगी। तो 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ऐसा सब कुछ संत अच्युतानंद दास महाराज के हवाले से, भविष्यवाणी पुराण के हवाले से ये सब कहा जाता है सोशल मीडिया में। अब देखिए, नोस्ट्राडेमस बाबा वेंगा और संत दास महाराज जी की इन भविष्यवाणी की पुष्टि करना देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यह सारी की सारी बातें सोशल मीडिया से उठाई जाती है। विशेषज्ञों ने अपने अपने हिसाब से भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की व्याख्या की। अब इनमें देखिए कितनी सच्चाई मिलती है कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए इनकी सच होने की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना जैसी आपदा जो हम लोगों ने देखी है, हमने कभी उसकी कल्पना नहीं की, लेकिन हमारे साथ वह सब हुआ। और जिस तरह से दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो भविष्यवाणियों में आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि बुल्गारिया की रहने वाले बाबा वेंगा दुनिया के मशहूर भविष्य वक्ताओं में से एक, 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। बाबा वेंगा की अगस्त 1996 में मौत हो गई थी। अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने साल 5069 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए कई भविष्यवाणियां की थीं, जो सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। भारत के लिए बाबा वेंगा की बेमौसम बरसात वाली भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। इस साल मार्च और अप्रैल में बहुत बारिश देखने को मिली। इन महीनों में ऐसी बारिश सालों बाद देखने को मिली। बाबा वेंगा ने सौर तूफान की भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने सूर्य में पृथ्वी से करीब 20 गुना बड़ा छेद खोज निकाला है और इससे निकले विकिरण का खतरनाक प्रभाव भी देखा गया है। हमें जरूर बताएं कि मोदी जी के शासनकाल में क्या आप भी खुश हैं। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।